चकली सभी की फेवरेट होती है एंड दिवाली भी आ रही है, सो चलिए बनाते हैं एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची चकली। ये हम महाराष्ट्र स्टाइल चकली बनाने वाले हैं जिसको बोलते हैं भाजनी चकली, एंड ये एकदम ही एकदम क्रंची बनेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले हम इसकी भाजनी बना लेंगे। सो मैं यहाँ ले रही हूँ चावल। ये चावल को धो के सुखा करके फिर उसको ड्राई रोस्ट किया हुआ है, यहाँ पर जो भी हम सर्व लेंगे वो सब कुछ ड्राई रोस्ट किया हुआ है। फिर लूँगी चना दाल, ये भी हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। फिर बारी आती है मूंग दाल की, अगेन इसको हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। इसके बाद जो भी हम सामान डालने वाले हैं इसमें उनकी क्वांटिटी कम है, एंड जो चना दाल और चावल की है जो क्वांटिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पर मैं उड़द दाल भी ले रही हूँ थोड़ी सी, सबकी क्वांटिटीज़ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। फिर यहाँ पर हम ले रहे हैं पोहा, अगेन ये ड्राई रोस्ट किया हुआ है। फिर लेंगे थोड़े साबूदाना, साबूदाना भी हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। इसके बाद धनिया, अखा धनिया लिया है, अगेन ड्राई रोस्ट किया हुआ है। जीरा लेंगे थोड़ा, इससे जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है धनिया और जीरा से। इसके बाद लेंगे सौंफ, एंड फिर लेंगे कुछ खड़े मसाले, बस इनको मिक्स कर लेंगे एंड फिर इनका एक पाउडर बना के रख लेना है। आप चाहे तो बाहर से चक्की पे से बनवा सकते हैं या फिर घर पे मिक्सर में बना सकते हैं। ये इस तरीके का आटा हो जाएगा। फिर इसमें अब इसको आटा लगाने के लिए हम डाल रहे हैं गरम तेल। इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि तेल एकदम गरम होता है, तो पहले आप हाथ से मिक्स ना करें, पहले आप इसको किसी चम्मच से मिक्स कर ले अच्छे से। तेल इतना होना चाहिए कि उसको जो क्रिस्पीनेस है वो इस तेल से ही आएगी। सो तेल आप अच्छे से डालिए, बहुत ज़्यादा भी ना डालिए, नहीं तो चकली जो है नरम पड़ जाएगी। फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा एंड थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने अबाउट 3-4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है एंड 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से तिल, सफ़ेद तिल यहाँ पर मैंने लिए हैं, एंड थोड़ी अजवाइन ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर अजवाइन को पीस करके इसको दरदरा पीस करके ऐड कर रही हूँ ताकि ये इसकी वजह से जो चकली है वो टूटे नहीं। एंड इसमें फिर गरम पानी मिला करके इसका अच्छे से आटा लगा लेंगे। सो अभी यहाँ पर आटा लग के तैयार है, आप देख सकते हैं किस तरीके का कलर आया है। एंड अब इसकी चकली बनाना शुरू करेंगे। सो ये चकली के सांचे में मैंने आटा भर लिया है एंड इसको चकली का शेप देते हुए इसको बना लेंगे। सो यहाँ पर 4-5 चकली बना लेंगे, उसके बाद चलेंगे इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। अब गरम तेल में एक एक करके इसको डालेंगे। आप बिल्कुल हल्के हाथ से चकली को तेल में डालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगी एंड ये बिल्कुल भी अच्छे से अपना शेप होल्ड नहीं करेंगी। सो एक एक करके डालेंगे इसको। मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से लाल हो जाएगी एंड अंदर से ये एकदम कच्ची रह जाएंगी। सो एकदम परफेक्ट पकने के लिए, एकदम परफेक्ट कलर के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पका लेंगे एंड देन फिर इसको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हो एकदम क्रंची बनी है एंड परफेक्ट कलर आया है एकदम। इसके पहले वाली जो मैंने निकाली थी वो थोड़ी सी डार्क हो गई है, बट ये वाली जो है वो एकदम परफेक्ट बनी है।
एंड आप इसको एकदम डार्क होने तक ना फ्राई करें, क्योंकि इसे बाहर निकालने के बाद भी इसका कलर और थोड़ा डार्क होगा। सो ये देखिए जो चकली है यहाँ पे परफेक्टली कलर आ गया है, परफेक्ट रन। सो ये आप इस दिवाली ज़रूर बनाइए एंड मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।